गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज अ प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. नाउ टुडे वी आर टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2. एक्सरसाइज नंबर का 2 क्या है? ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2. सो टुडे वी आर टू स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग. This is the question number 6 of your exercise number 2. Now see the question, students. What the question says: a person owns some pigeon and cows. The number of legs of these animals is 180 and the total number of eyes is 120. And how many cows and pigeons does the person own? ठीक है, पहला question अपन line by line अपन we have to make. ठीक है, पहले क्या बोला? A person owns some pigeon and cows. So we don't know about how many pigeons and how many cows are there. So let the number of pigeon be x and the number of cows be y. यहाँ पे कितने persons हैं? यहाँ पे 2 persons आते हैं. तो कितने variables हो जाएंगे? 2 variables. Okay. After that, the number of legs of these animals, as a previous video अपन कर चुके हैं इस टाइप का question. ठीक है, solution तो नहीं किए थे, but equation कैसे बनता है अपन देख चुके थे. So according to the first condition, you have to write according to the फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट द कंडीशन सेज, द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दीज एनिमल्स. दीज एनिमल्स मतलब पिजन एंड काउस का बोथ का लेग कितना है वहां पे? 180. बट अपने को ये नहीं पता कि पिजन के टोटल कितने लेग्स है और काउस के टोटल कितने लेग्स है, बट ये कंफर्म पता है कि दोनों मिला के कितना हमारे पास? 180. ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? पिजन बोला है तो पिजन के कितने लेग्स होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कितने होते हैं? 2 होते हैं. एंड काउ से कितने हैं? 4 होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिजन क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस काउ से कितने होते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय वाई. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन. ठीक है, तो मैं सीधा इक्वेशन बना रहा हूँ. दोनों कितने यहाँ पे? 180. वाई वेयर टू मल्टीप्लाई 2x. ये आपका क्या है? पीजन है और ये आपका क्या है? काउ है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे लिखा पी मतलब पीजन, सी मतलब काउ. नो व्हाट? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 180. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट नाउ यस सी, इज एनी कॉमन? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन है. तो मेक 2 कॉमन, x प्लस, तो यहां क्या बच जाएगा? 2y. ठीक है, क्योंकि 2 टू जा 4 होता है, 2 इंटू एक्स 2x. तो कॉमन क्या निकल दिया यहाँ पे? 2 कॉमन निकल गया. 2 टू जा 4, 2 इंटू एक्स 2x. ठीक है, तो आ गया 180. तो x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे? 180. नाउ दिस 2 डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस 2y इक्वल्स टू कितने से कट जाएगा? 9 से 90. तो दिस इज इक्वेशन नंबर. So this is your equation number 1. Now what the second condition says? Second condition क्या बोल रहा है? Total number of eyes is 120. Total number of eyes is 120. तो यहां लिखोगे according to the second condition. What the condition says? देखते हैं क्या बोल रहा है. टोटल नंबर ऑफ आइज कितना बोलता है? 120. चलो ठीक है, 120 मान लेते हैं. बट वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, अगर पिजन की बात करूं मैं, अगर पिजन की बात करूं ठीक है, और काउ की बात करूं, तो हाउ मेनी पिजन कितने हो? तो ऑब्वियस सभी के आइज कितने? 2 होते हैं. तो पिजन क्या हो जाएगा? 2 इंटू मल्टीप्लाई एक्स. और काउ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5. किसकी बात कर रहे हैं अपन? आइज की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2x यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 120. तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? 2 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 120. ओके, आफ्टर दैट एक्स प्लस वाई सी है. ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ ठीक है. तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो गया? 120 अपॉन 2. यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 60. सो व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60. दिस इज योर इक्वेशन नंबर. ओके स्टूडेंट्स,
आफ्टर दैट वी आर टू सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन टू को अपने को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है एज अ प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डन. नाउ सी, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर वन. क्या है? एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 90. सेकेंड इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60. अपन कर लेते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट कि एलिमिनेशन मेथड अपने को क्या पड़ेगा? इजी पड़ेगा. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं. नो नीड टू राइट हियर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, इसको अपन क्या लेते हैं, एलिमिनेशन अपन क्या करते हैं, अपन एलिमिनेशन मेथड में ये देखते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए, उसका कोफिशियंट क्या होना चाहिए, सेम. तो यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशियंट क्या है, 1. तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, 1. तो अपने को कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो सीधा अपन क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसा लिख लो. इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स प्लस वाई. ठीक है, LHS को LHS के साथ माइनस और RHS को RHS के साथ माइनस. पहले अपन इक्वेशन 1 लिए, तो इक्वेशन 1 का यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 60. आफ्टर दैट x प्लस टू वाई माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. तो ये आपका क्या, 90 माइनस 60 इज व्हाट, 30. तो ये व्हाट, x and x कैंसल. x और x क्या हो गया, कैंसल हो गया. तो बचा हमारे पास क्या, 2y माइनस y. तो 2y माइनस y क्या होगा, y. तो y प्लस वैल्यू कितनी आ गई, 30. y पन क्या लिए थे, cos लिए थे. ठीक है, y पन क्या लिए थे, cos. तो cos की वैल्यू आ गई. और सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 कौन सा है, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 90. यू हैव टू राइट हियर x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 90. व्हाट इज द वैल्यू y हियर, 30 इक्वल्स टू 90. x प्लस टू 30 जा क्या हो जाएगा, 60 इक्वल्स टू 90. तो व्हाट वी गेटिंग हियर, 90 माइनस 60. तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स क्या हुआ, एक्स क्या आया, एक्स हमारा क्या था, काऊ था, सॉरी पिजन था. तो पिजन टोटल, पिजन कितने थे हमारे पास, 30. और वाई क्या है हमारे पास, काउस थे. तो टोटल नंबर ऑफ काउस कितने हो गए, 30. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पिजन इज 30 एंड टोटल नंबर ऑफ काउस इज 30. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see this question, question number 7, your exercise number 2. Question क्या बोलता है, A bag has 50 paisa and 25 point. बोलता है कोई बैग है हमारे पास, ठीक है, जिसमें बोलता है 50 पैसे की भी कॉइन्स है और 25 पैसे की भी क्या है हमारे पास, कॉइन है. ठीक है, इसको मान लेते हैं 25 पैसा और इसको मान लेते हैं 50 पैसा. ये हमारे पास कॉइन्स है, बट वी डोंट नो हाउ मेनी आर 50 पैसा कॉइन्स आर देयर एंड हाउ मेनी आर टोटल 25 पैसा. बट वी नो वेरी वेल अबाउट दैट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, बोलता है 94. तो ले लेते हैं क्या, लेट नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन क्या हो जाएगा, एक्स. ठीक है, लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन क्या लेते हैं, वाई लेते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना बोलता है, 94. मतलब 50 पैसा भी है और उसमें क्या है, 25 पैसा. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन व्हाट वी आर राइटिंग हियर, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 94. तो x प्लस वाई क्या हो गया यहाँ पे, 94. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर क्या बोलता है, एंड देयर वैल्यू इज 29.75. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ,
अब ध्यान सुना, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना, लिसन केयरफुली। सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आएगा आपके पास, x के लिए 25 पैसा और टोटल क्या है यहाँ पे 29.75, ठीक है, ये किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है, ये किस में है, रुपीज़ में है। और यहाँ पे देखो वैल्यू कितना बोलता है 29.75, तो 25 पैसे कितने हैं, 25 पैसे मतलब 25 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई वाई। अब देखो यहाँ पे वाई यहाँ मल्टीप्लाई है, 25 इंटू एक्स क्यू किया, 25 इंटू एक्स क्यू किया क्योंकि यहाँ पे एक्स किया, यहाँ पे 25 पैसा है और वाई किया यहाँ पे 0.50 इंटू वाई, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, लिसन केयरफुल, ये रुपीज में है, ठीक है, 94 किस में था, कॉइन था, अब ये क्या है, रुपीज में है, दैट्स आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे हुआ, सपोज मैं आपको बोलूँ, मैं बोलूँ मेरे पास 50 पैसे के 3 कॉइन्स है, चलो मान लेता हूँ 4 कॉइन्स है, 50 पैसे के 4 कॉइन्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑब्वियस है बात है, क्या होगा, 2 रुपीज होगा। मैं बोला 50 पैसे के कितने कॉइन है मेरे पास, 4 कॉइन्स है, ठीक है, तो आप कितना बोलोगे, कितने पास है मेरे पास, रुपए 2 रुपीज़ है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 4 कॉइन्स है, तो क्या किया मैं, 0 × 0.50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा 50/100, अपने को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है, 50 पैसा ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4, तो 0 0 कैंसल, तो ये आ गया 5 × 5, 5 × 2 = 10 और 8 × 2 = 4, तो कितना आ गया अपने पास 2 रुपीज, या 50.50 लिखा हूँ, ठीक है, 50 पैसा उसको किस में कन्वर्ट कर दे, 50 पैसा किस में कन्वर्ट करते, 1/100, 1 रुपीज इक्वल तो कितना होता है 100 पैसा, ठीक है, समझ आया कि क्या हुआ, 50 को मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब मैंने पैसे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्वांटिटी से, तो क्या आ गया हमारे पास, रुपीज आ गया। यहाँ पास लिख लो क्या है हमारे पास, अगर मैं पैसे को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, रुपीज आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या किया मैं, पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, तो क्या आ गया, रुपीज आ गया, सेम एज इट इज हियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, पैसा था, यहाँ पे क्या है, वी डोंट नो अबाउट द क्वांटिटी, टोटल यहाँ पे ये है, सेम एज इट क्या, पैसा है 50 पैसा है, क्वांटिटी वी डोंट नो, तो वाई लिए थे, टोटल यहाँ पे रुपीस कितना है, यहाँ पे रुपीस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये किस में है, पैसे में है, ये भी किस में है, पैसे में, और ये किस में है, रुपीस में है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट 25 पैसों किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, रुपीस में, या इसको ऐसे लिख लो, क्या हो जाएगा 25/100, ठीक है, 0.25 लिया हूँ मैं पैसे को, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 1 रुपीज 25 पैसा, ठीक है, तो आप क्या करते हो 1.25 लिखते हो, यही तो लिखते हो ना, तो 1 रुपीज प्लस 0.25 ऐसे तो लिखोगे, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐसा लिखिए, तो क्या करेंगे इसको 25/100 एक्स प्लस 50/100 इंटू मल्टीप्लाई और 2975/100, क्योंकि 100 क्योंकि ये पॉइंट था, यहाँ पे 100 हो गया, ये समझ आया स्टूडेंट्स, क्या बोला मैं 1 रुपीज 25 पैसों क्या लिखता हूँ मैं 1.25 रुपीज लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं बाइफेकेट करूँ, स्प्लिट करूँ, तो क्या होगा 1 रुपीज प्लस 0.25, तो इसको मैं 25 को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया 25/100 में, सेम एज इट इज, ऐसा समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट 25x दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 100 100, तो 50y दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1/100, ये आपके इसमें कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 2975/100, तो 100 100 क्या होगा कैंसिल, अगर ये 100 उस साइड जाएगा तो क्या होगा ये 25x + 50y इक्वल्स टू 2975 मल्टीप्लाई बाय 100/100, ये जो 100 था किधर चले गया, इधर चले गया, ट्रांसपोज हो गया, तो डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 0 क्या हो गया 100 100 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा
25x plus 50y equals to 2975. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये देखो 25x और यहाँ पे 50y है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा 25x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि 25 टू जा क्या होता है 50 होता है, तो आ गया हमारे पास 2975, तो ये आपका हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 2975 अपॉन 25. नाउ यू हैव टू कैंसिल हियर, इसको कैंसिल करो तो 5 से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या 5 5 25 5 5 25 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 4 9 45 5 5 25 5 बचा, फिर 5 से काट दो 5 5 5 5 5 5, ठीक है 5 9 45, ठीक है हाँ 5 5 4 5 9 45. ओके ओके, आफ्टर दैट क्या आ गया 119 आ गया हमारे पास. आफ्टर दैट क्या होगा, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 119, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस y इक्वल्स 94, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 119. तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे देखो x कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ भी x कोएफिशिएंट 1, ठीक है. तो एलिमिनेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करते हैं, सेम कर देते हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है. तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. x प्लस 2y, पहले इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, ठीक है. तो x प्लस 2y माइनस, इसे माइनस कर रहे हैं x प्लस y से, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, पहले अपन इक्वेशन नंबर 2 लिए हैं, ठीक है. तो x प्लस 2 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का पहला क्या है 119 और एक माइनस 94. तो x प्लस 2y माइनस वही हो गया माइनस y, ठीक है. यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो गया 94 गया 5, 11 माइनस 2 कितना हो गया 25. यहाँ x x क्या हो गया कैंसल, 2y माइनस y क्या बच गया यहाँ पे y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 94, x प्लस y इक्वल्स टू 94, वट इज़ द वैल्यू ऑफ y हियर 25 इक्वल्स टू 94, तो x इक्वल्स टू आ गया 94 माइनस 25, तो आ गया कितना 94 माइनस 25 क्या आ गया हमारे पास, ये 14 माइनस 5 हो गया कितना 9 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 16. सो वॉट, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 69, तो x क्या था हमारा, x क्या था हमारे पास, x लिए थे 25 पैसे, क्या लिए थे x, क्या लिए थे यहाँ पे 25 पैसे. तो 25 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास, 25 पैसे के कॉइन हमारे पास कितने हैं 69, और y क्या है हमारे पास 25, y कितना आ गया 25, ठीक है. तो y क्या लिए थे अपन, y लिए थे 50 पैसे. तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं हमारे पास, हाउ मेनी आर देयर 25. सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसा है 69, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा कितना आ गया 25. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, बट बिफोर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 8, सी दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और यू हैव टू से दैट x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy. या तो आप ये याद कर लो या तो फिर ये याद कर लो, दोनों एक ही है, ठीक है. तो अपन इसको याद कर लेते हैं, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है. तो क्या है फॉर्मूला, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy. नाउ हाउ वेयर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स कितना बोलता है 25, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल्स इज 154. देखो बेटे स्टूडेंट्स, रेसिम्बला व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल, ठीक है,
रेसिप्रोकल, तो y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y. नौ, अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्या बोला, पहला कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर इज, अब पता तो नहीं क्या नंबर है तो क्या ले लिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y. ये तो अपने को अच्छे से पता है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यहां पे शॉर्ट पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर्स, क्या बोलते हैं दोनों को क्या करना है, सम करना है. तो x प्लस वाई क्या हो गया यहां पे 25, ठीक है, x प्लस वाई क्या हो गया हमारे पास 25. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. फिर क्या बोला, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, किसका, इनका रेसिप्रोकल क्या है, बोलता है 1/4 अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्या बोला है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, किसका, इन दोनों का रेसिप्रोकल. तो क्या हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल x 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, y 1/y इक्वल्स टू 1/4. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, ये क्या हो जाएगा एलसीएम एक्स वाई, ठीक है, उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू वाई. अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, अगर इसका अपने को एलसीएम लेना है, देखो इन दोनों का एलसीएम, तो क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई, वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से और एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, ये टू टर्म पे काम आएगा, ठीक है. तो क्या किए, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, एक्स एंड वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई. अब क्या कर रहा हूँ मैं, वाई इंटू वाई, वाई इंटू वन क्या हो जाएगा वाई, और एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा एक्स, हो गया 1/4. तो y प्लस एक्स को लिख सकता हूं क्या, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/4, ठीक है. अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे 4x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स वाई, ठीक है. अब यहां पे एक चीज देखो स्टूडेंट्स, यहां पे x प्लस वाई, ठीक है, यहां पे देखो x प्लस वाई क्या हमारा निकला है, x प्लस वाई क्या है हमारे पास 25, तो जो x प्लस वाई 25 है यहां पर पुट अप कर देंगे, 4 इंटू 25, तो क्या आ गया एक्स वाई, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू 100, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ गया इक्वेशन नंबर टू. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को कभी भी इस टाइप का मिलता था इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स 25, बट यहाँ देखो x मल्टीप्लाई बाय वाई है. अगर यहाँ पे होता x माइनस टू वाई इक्वल्स 200, या फिर होता x माइनस वाई इक्वल्स 200, या फिर और कुछ होता, प्लस पे कुछ होता, ये पहला टर्म प्लस पे x प्लस वाई इक्वल्स 25, सेकेंड टर्म किस में आ गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई. या तो फिर ऐसा होता x प्लस वाई इक्वल्स 200, या फिर ये ऐसा होता कैसा, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 100, या फिर ऐसा होता 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, ये सेकंड कंडीशन बन जाता, इसमें से कोई भी सेकंड कंडीशन बनता, ये कौन सा है फर्स्ट कंडीशन, और ये क्या बन जाता सेकंड कंडीशन. बट अभी यहाँ पे सेकंड कंडीशन किस में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय दिए रफ पे, ठीक है, तो काट अभी ये किस पे दिया है, मल्टीप्लाई पे दिया हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू 100. अगर पहला कंडीशन प्लस पे है और सेकंड कंडीशन मल्टीप्लाई पे है, तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, किससे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अपन करेंगे क्या, अपन करेंगे ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है. तो लिखना, सिंस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला पे आए, ये अपन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब पहला कंडीशन प्लस पे हो और सेकंड कंडीशन किस पे हो, मल्टीप्लाई पे हो. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है. तो x माइनस वाई वी डोंट नो, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई अपने को पता है कितना है 25, तो लिख दो 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100. तो ये आपका हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर 25 इंटू स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 400. तो ये आपका आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 625 माइनस 400 क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया, ये 2 हो गया, 6 माइनस 4 क्या 2. तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर, चलो वहाँ पे
इसका देखो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर है, ये स्क्वायर हर जगह आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो √25। और √25 किसका होता है, √25 होता है आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स क्या हो गया यहाँ पे 15। अब ये आप क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये कौन सा आपका आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या था, आपका इक्वेशन नंबर 1 था क्या, x + y = 25, और सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, x - y = 15। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, इजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, अपन ये फॉर्मूला यूज़ किए सेकंड इक्वेशन लाने के लिए, कौन सा, ये x - y = y² = x + y² - 4xy, ठीक है। तो योर फर्स्ट कंडीशन इज वॉट, x + y = 25, ये अपना, और सेकंड कंडीशन क्या आ गया, x - y = 15। नाउ आई थिंक यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका x + y आ गया 25, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, और x - y क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व बाय ओन, इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। क्या करो, या तो प्लस करोगे, प्लस कर देना, या फिर क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जा रही है आपकी, x की वैल्यू आ रही है आपकी 20, और y की वैल्यू क्या आ रही है 5, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व बाय ओन यहाँ, तो उसके बाद तो अब या तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, और उसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, एंड y की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सॉल्व करके देखना, अगर नहीं बनेगा तो मेरे को मैसेज कर देना। नाउ सीधे क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से बोलता है 45। तो वी डोंट नो किसका किसका प्रोडक्ट करना है, तो फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी y, ठीक है। फिर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है, x मल्टीप्लाई बाई y, तो क्या आ गया 45, तो ये आ गया xy = 45, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है हमारे पास, क्या बोलता है, देयर सम, किसका सम, इन दोनों का सम, देयर सम इज 14, तो x + y = 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे सेम वही कंडीशन आ गया जो अपन लास्ट क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ किस पे है, सेकंड कंडीशन x + y पे है, और फर्स्ट कंडीशन किस पे है, मल्टीप्लाई पे है। तो अपन कौन सा यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन किस में हो गया, x + पे है, और सेकंड फर्स्ट कंडीशन किस में हो गया, मल्टीप्लाई पे हो गया। तो अपन क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, x - y² = x + y² - 4xy, ठीक है। तो x - y तो पता नहीं है, इक्वल्स टू x + y क्या है हमारे पास 14 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई xy क्या है हमारे पास 45 है, ठीक है। xy कितना है 45, x + y कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर हो गया कितना 196 माइनस 5 × 20 = 2 × 4 = 16 18, कितना आ गया 18, ठीक है। उसके बाद x - y² = 196 - 180, तो कितना आ जाएगा 16, तो x - y² = कितना आ गया 16, तो x - y ये हो गया 16, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो x - y = √4 का स्क्वायर, तो x - y कितना हो गया यहाँ पे 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इससे तो इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं मल्टीप्लाई से, तो अपना नया इक्वेशन क्या आ गया x - y = 4। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास x + y - x - y, ठीक है, और ये हो गया 14 - 4,
इक्वेशन टू एंड थ्री को करना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल्स टू 14 माइनस 4 कितना हो गया 10। यहाँ पे क्या होगा, x और x कैंसिल, तो y प्लस वाई क्या हो गया 2y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन 2 कितनी आ गई 5, 2 5 जा 10। उसके बाद क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में इसको क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था, अच्छा सॉरी इक्वेशन नंबर, चलो ठीक इक्वेशन में पुट अप कर लो, जैसे पुट अप करना। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, x इंटू वाई इक्वल्स टू 45, तो उसमें पुट अप कर लो 45 था, ठीक है। तो x तो निकालना है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 45, तो x इक्वल्स टू 45 अपॉन 5 तो कितना आएगा 5 9 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। x इक्वल टू 9 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 45। सो स्टूडेंट्स अपने फॉर्मूला कब लगाते हैं, एक्स माइनस वाई को वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर ऑफ एक्स वाई, तब लगाते हैं व्हेन कोई भी एक कंडीशन प्लस पे हो या फिर माइनस पे हो, और सेकंड कंडीशन किस में हो, मल्टीप्लाई पे हो, ठीक है, तभी अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो टूडेज टॉपिक इज, सो टूडेज क्वेश्चन नंबर 10 इज हुआ, नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, ओके। So, thanks to all of you.